हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। टीएन न्यूज़ के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सबका स्वागत है और मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेट्स। तो गाइस, जो पहली अपडेट है हमारी वो आती है हमारी बिटहम्ब क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की तरफ से, जो कि साउथ कोरिया के एक बहुत ही बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जो हमेशा हैक होती रहती है। सो गाइस, बिटहम्ब से लगभग $19 मिलियन के क्रिप्टो करेंसी एसेट्स को चुरा लिया गया है हैकर्स के द्वारा। उसमें से इतने डॉलर्स के क्रिप्टो करेंसीज को बिटहम्ब से दूसरे एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र किया गया है, जिसमें से $13 मिलियन के सिर्फ EOS क्रिप्टो करेंसी था और लगभग $6 मिलियन के XRP कॉइंस थे। सो गाइज, ये दोनों का सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र जो है अटैकर्स ने क्या किया है बिटहम्ब से दूसरे जो एक्सचेंज है, जैसे HitBTC है, Huobi है, इन सब पे उन्होंने ट्रांसफ़र करा है और टोटल अमाउंट जो है वो है $19 मिलियन, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट होती है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी अमाउंट होती है। और बिटहम्ब जो है एक ऐसा एक्सचेंज है जो रिसेंटली अभी हाल में 2007 में भी हैक हुआ था और हमेशा ये लगभग हैक होता ही रहता है। इसकी कोई मतलब सिक्योरिटी का कुछ अता पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तो बिटहम्ब की तरफ से जो स्टेटमेंट आया वो ये आया है कि उनका कहना है कि ये किसी एक इनसाइडर का काम है जो उनके कंपनी में काम करते हैं, बाहर का कोई ऐसा मैलिशियस अटैक हमने कोई नोटिस नहीं करा है, इनसाइड के ही किसी पर्सन ने जो है ये पैसे चुराए हैं। और उन्होंने बोला है कि कुछ फंड्स को रिकवर किए गए हैं, बाकी फंड्स को इस डर से कि बाकी फंड्स भी ना चुराए जाए, उन्हें हॉट वॉलेट से कोल्ड वॉलेट जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होता है उसमें ट्रांसफर कर दिए गए। और ये जो भी चोरी हुई है वो हॉट वॉलेट से हुई है, उनका प्राइवेट की अटैकर्स को कैसे कैसे पता चल गया, उनको मिल गया, जो कि एक इनसाइडर का काम लगता है। तो इस तरीके से गायब जो पैसे होने लगे थे वो गायब तो हो ही गए। तो भरोसे वाले एक्सचेंज का भी फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, कोई भी एक्सचेंज भरोसेमंद नहीं है। फिलहाल बाइनेंस एक्सचेंज है वो थोड़ा बहुत सही चल रहा है, अभी तक उसमें कोई ऐसी बड़ी मेजर चीज़ें जो है अनाउंसमेंट या हैक की कुछ नहीं आई है, तो आप उस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट मैं बोलूँगा कि कभी भी आप अपने क्रिप्टो करेंसी को जो है कोल्ड वॉलेट में ही इंस्टॉल करके, यानी कि कोल्ड वॉलेट में ही स्टोर करके रखे ज़्यादा बेटर होगा। दूसरी जो अपडेट है गाइज वो है StreecomDB4 नाम के एक छोटे से CPU के बारे में। हालांकि ये छोटा सा CPU नहीं है, CPU तो बड़ा है, चेसिस बड़ा है, डब्बा जो है वो बड़ा है, बट ये एक ऐसा कंप्यूटर, एक ऐसा CPU है जिसमें कोई भी फैन नहीं है। इसे बनाया है टिम नाम के एक बंदे ने, उन्होंने इसको डिज़ाइन करा है और इस तरीके से डिज़ाइन करा है कि इस पूरे ढांचे में आपको 4 वॉल प्लेट्स लग जाएंगे जो कि एल्युमिनियम से बने हैं। एल्युमिनियम प्लेट्स नज़र आएंगे जो CPU के ढांचे को फिल आउट करता है, मतलब चारों तरफ से ढकता है, और अंदर में एक मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड जो है वो एक जो मदरबोर्ड आती है हमारे जो लैपटॉप्स में कंप्यूटर्स में लगे होते हैं वो एक मदरबोर्ड है और विदाउट फैन CPU है और बिल्कुल भी नॉइजलेस, यानी कि आवाज़ साउंड बिल्कुल नहीं उसमें आएगी। जब वो CPU चलेगा तो उसमें एकदम 0 decibel की साउंड आएगी, मतलब बिल्कुल साउंड फ्री ये CPU होगा और थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं करेगी। जैसे हम घर में अभी कंप्यूटर आप चलाते हो, CPU चलाते हो, तो उसमें से आवाज़ें आती है, उसमें से साउंड आता है उसके फ़ैन के घूमने की, उसका फ़ैन चलता है। बट यहाँ पे उन्होंने एल्युमिनियम वॉल्स का यूज़ किया, कुछ स्पेशल एल्युमिनियम वॉल्स का यूज़ किया है जिसके तहत जो CPU और GPU की हीट जनरेट होगी वो उसको सोख लेगी, और भी उसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे शॉक एब्जॉर्बर भी लगाए हुए हैं और भी बहुत सारे उसमें कंपोनेंट्स लगाए हुए हैं, बट ये पूरी तरीके से साउंडलेस CPU होगा। ये काफ़ी अमेजिंग है सुनने में, और मार्केट में अगर ये नॉर्मल यूजर्स के लिए आता है तो काफ़ी अमेजिंग होगा कि ये एक लैपटॉप की तरह, हालांकि लैपटॉप में भी जो है अगर आप HDD यूज करते हैं SSD की जगह तो वो घूमता रहता है हार्ड डिस्क ड्राइव, उससे भी हमारी आवाज आती है, फैन होती है, फैन की आवाज आती है, सब कुछ आता है। तो यहां पे ये बिल्कुल भी साउंडलेस एक CPU हो जाएगा जो वाकई काफी कमाल की है। तीसरी जो अपडेट आती है वो आती है मैजेंटो की तरफ से, जो कि एक ओपन सोर्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसका यूज़ काफ़ी सारी वेबसाइट जो हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स करती हैं और काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर है। मैजेंटो ने फिलहाल हाल ही में 37 वल्नरेबिलिटीज़ को पैच किया है, 0-day वल्नरेबिलिटीज़ थी वो, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल थी वो SQL इंजेक्शन और RCE वल्नरेबिलिटीज़ थी, यानी कि मैजेंटो में था SQL इंजेक्शन और RCE रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी, जिसके तहत कोई भी अटैकर जो है सिस्टम उसके डेटाबेस को टेक ओवर कर सकता था, डेटाबेस के एडमिनिस्ट्रेटर के यूजर ने पासवर्ड एक्सट्रैक्ट कर सकता था और टेम्पलेट्स में, थीम्स में चेंज कर सकता था। काफी बड़ी वल्नरेबिलिटीज थी जिसे मैजेंटो ने फिलहाल पैच कर दिया है। बट एक बात मैं आपसे हमेशा कहना चाहूंगा कि 0-day वल्नरेबिलिटी मिलती है जब उनको खोजा जाता है, यानी कि हर एक सिस्टम, हर एक सर्वर, हर एक ऐप्स, हर एक सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी कोई ना कोई बग होती है जब तक उसे कोई सिक्योरिटी रिसर्चर फाइंड आउट ना कर ले। वहीं बग अगर कोई अटैकर फाइंड आउट कर लेता है तो वो उसे एक्सप्लॉइट करके और बड़े लेवल की हैकिंग कर लेता है और हमारे को न्यूज़ मिल जाती है कि आज ये हैक हुआ, वो हैक हुआ। वहीं अगर कोई सिक्योरिटी रिसर्चर या कोई एंटीवायरस कंपनी अगर उसे रिसर्च करके फाइंड आउट करती है तो उसको अपडेट कर देती है उस कंपनी को, पेरेंट कंपनी को, और वो उसके लिए जो है फिक्स निकाल देते हैं, उसे पैच कर देते हैं।
आखिरी जो अपडेट है गाइस वो है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। माइक्रोसॉफ्ट ने 99 ईरानियन साइट्स को डिसीज कर दिया गया है, उसे टेक ओवर कर लिया, उसे बंद कर दिया गया है। और ये उसने ऐसा इसलिए करा है क्योंकि ये जो साइट्स थे वो ईरानियन हैकर्स के द्वारा चलाए जा रहे थे और ये बिल्कुल हूबहू माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स के, माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट्स की कॉपी लुक जो है वो करते थे और बिल्कुल जेन्युइन टाइप दिखाते थे। और उनको जो यूजर्स उस पर जाते थे उनको लगता था ये जेन्युइन माइक्रोसॉफ्ट की साइट है या फिर जेन्युइन आउटलुक का साइट है या फिर जेन्युइन जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का किसी प्रोडक्ट साइट है स्काइप साइट है। तो इस तरीके से गाइज जो अटैकर्स होते थे वो अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन वहां पे फिल कर देते थे जिसके कारण उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो जाती थी और अटैकर्स के द्वारा जो है उसको सेल आउट किया जाता था डार्क वेब पे। तो इसके खिलाफ माइक्रोसॉफ्ट ने कोर्ट में प्ली करी थी और कोर्ट में उसके बाद केस उन्होंने जीत लिया था। और उसके बाद उस जो वेबसाइट्स जो थे, जो भी 99 वेबसाइट्स थे, उन्होंने सिंकहोलिक, एक टर्म आता है, एक प्रैक्टिस है, एक टर्मिनोलॉजी है सिंकहोलिक, उसका यूज करा सिंकहोलिक का। और सिंकहोलिक का यूज करके उन्होंने उन वेबसाइट्स को पूरा तरह से डिसीज और बंद कर दिया। अब सिंकहोलिक या फिर डीएनएस सिंकहोलिक क्या होता है इसके बारे में शाम को आपको वीडियो मिल जाएगी, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सिंकहोलिक के बारे में वो वीडियो जरूर देखिएगा, काफी मैं आपको बताऊंगा कि सिंकहोलिक क्या होता है, डीएनएस सिंकहोलिक क्या होता है, किस तरीके से उसे आप डोमेन जो है टेक ओवर किए जाते हैं या फिर जो फर्जी डोमेन होते हैं, फेक डोमेन्स होते हैं, किस तरीके से जो है उसका इस्तेमाल करके उन्हें फाइंड आउट किया जाता है और आईपी ट्रेस बैक किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने उन हैकर्स को ट्रेस बैक कर लिया है, उन हैकर्स के आईपी एड्रेस को ट्रेस बैक कर लिया और उन वेबसाइट्स को बंद कर दी है ताकि और भी यूजर्स ठगे ना जा सके उन वेबसाइट की तरफ से। सो गाइज आज की लेटेस्ट साइबर सिक्योरिटी अपडेट्स में कुछ ये अपडेट्स थी आपके लिए। ऐसे कुछ साइबर सिक्योरिटी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए टीएन न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।